सीसीटीवी देख रही हैं? क्या हुआ दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है? और ये किसकी तस्वीर को देखकर आपके चेहरे का रंग उड़ गया? दिखाइए ना, किसकी तस्वीर है, दिखाइए ना दीदी। कहाँ दिखाए तुमको? दिखाए तुमको? नहीं, तुम हो कौन? तुमका इधर की मलकी नौ जब हर बात तुमको बताए और हर चीज तुमको दिखाए। ऐसी बात नहीं है भैया, आप प्लीज नाराज मत होइए, वो तो हमने दीदी को परेशान देखा इसलिए पूछ ली। अरे देवी जी, सुख से जीने दो यार, काहे जान सुखाने पर आमदा। ये हमरी बीबी है, इसको कोनो दुख कोनो तकलीफ होगी तो उसके बारे में हम सोचेंगे, हम चिंता करेंगे। तुम काहे अपना बेजा लड़ाई रही? लेकिन भैया, लेकिन का? अगर एक पति अपनी पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखता है तो फिर पत्नी को किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। को तो हम तुमका देख के बड़ी आओ। यहाँ क्या कर रही थी? वो हम फोटो देख रहे थे आपके तकिए के नीचे मिला। हम नहीं जानते हैं कि किसका है, कौन है ये? देख, हम तुमको बहुत ही प्यार से समझाए रहे हैं कि अपने काम से काम रख। भूल जा कि तूने कोई फोटो सोटो देखी है, हम तुम्हारी तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। समझी कि नहीं हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, चल जाए यहां से। हम जाते हैं। इतना तो पूछ ही सकते हैं कि ये कौन है। नहीं पूछ सकती, नहीं पूछ सकती। अब जाए सुना देंगे घुमाए के लप्पड़। वाह बेटा वाह, वाह शाबाश। बे आदम हव्वा के बाद तुम्हारी ससुर एक ऐसे जन्मे हो जो आदमी की नई मिसाल बताए रहे। अबे आदमी का घर होता है समझे, वो जब चाहे तब अपनी घर वाली को बेघर कर सकता है, समझो कि नहीं? और तुम ससुर हिया है कुत्ता। हट मैडम, मत ए भाषण फाड़ जा रही है तो तुम सवेरे सवेरे यार। अबे भाषण नहीं फाड़ रहे हैं समझे को नहीं, चीर रहे हैं भाषण। अबे बता रहे हैं तुमको उका तुमरी जो है ना उकर चाल चलन। अबे तिरिया चरित्र, औरत का चरित्र और पुरुष का भाग्य भगवानों ससुर नहीं बता सकते बे। हम तुम का जानेंगे बे? ए, ए, अबे वो तुम्हार लुगाई है तय होकर लुगाई हो बे सारे। है रे बाबूजी यार तुम है सवेरे सवेरे हमारी खोपड़िया चढ़ के नाचे जा रहे हो, तुम क्या मतलब चाहते गाओ है? अरे
अपना मन क्या है? बाहर आए के सोने का सोए गए, तो बड़ी बात है का के लिए भी तुम्हारी का परमिशन लेके आवे का करें तुम यार। ले आई गई, पूछ लो बेटा कि कहाँ विश्राम करना है, कहाँ नहाना है, कहाँ निपटना है, पूछ लो ना अपने पुजारिन से। बहुदा रात को पति दुत्कार, सवेरे पति सत्कार, हे धन रे आज की नारी, तुमसे सारी सृष्टि हारी। ले करवाए ले कल्याण बेहुदा कुत्ता, पूरा सबेरा खराब कर दिए। आई गई आज, अब 151 तरीके आते तुमको मेरी बेइज्जती कराने। जब आना ही था थोड़ी थोड़ा पहले आ जाती, तुमको आके जगाए देती, ऐसे ऐसे हमारी इज्जत उतार के तो नहीं जाते। हमने तो तुम्हें ऊपर आकर सोने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद ही ऊपर आए थे। वाह धन्य भाग हमें। सुनिए, कुछ ही दिनों में अमन की सगाई होने वाली है। मैं सोच रही थी कि अगर इसी बीच नंदिनी की गोद भराई की रस्म कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर शादी की तैयारियों के बीच में रस्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करेंगे ना, लोगों को निमंत्रण दे देंगे, और सक्सेना साहब के घर में कोमल है, वो भी मां बनने वाली है, उसे भी बुला लेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा प्लानिंग है, कर लो जैसा ठीक समझो। इस घर में गोद भराई की कोई रस्म नहीं होगी। एक बात आप लोगों को साफ कर दूं, इस बच्चे पर किसी का कोई हक नहीं। इसलिए कोई रस्म नहीं होगी। गौरव कैसी बातें कर रहे हो? आने वाला बच्चा हमारा भी कुछ लगता है, हमारा भी हक बनता है उस पे। नहीं मां, इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अपनी इच्छाएं मुझ पर और इस होने वाले बच्चे पर मत ला दिए। आखिरी बार कह रहा हूं, इस बच्चे को लेकर इस घर में कोई रस्म नहीं होगी। गौरव प्लीज ऐसे मत बोलो, किसी भी शुभ काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और इस रस्म के लिए तुम पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हो? बेटा हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान, भगवान और उसके आशीर्वाद की मुझे और मेरे बच्चे को कोई जरूरत नहीं। मां मुझे इन बातों पे अब कोई विश्वास नहीं, इसलिए मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बेटा तुम ही समझाओ अपने बड़े भाई को, आखिर कब तक बाप बेटे के बीच में दुश्मनी चलती रहेगी? गौरव कब तक पापा से नाराज रहेगा?
तुम उसे समझाओ कि पापा उसके दुश्मन नहीं है। मैं उन्हें क्या समझाऊंगा? भैया के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्हें जिन भी हालात से गुजरना पड़ा, वो भी किसी की जिद की वजह। अमन, सब कुछ जानते हुए भी तुम ये सब कैसे कह सकते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किचे भैया ने आपकी बात नहीं समझी तो वो मुझे क्या समझेंगे? कोई फायदा नहीं है मां। नमस्कार ठाकुर साहब। आइए आइए, प्रणाम। विराजे नवरात्र में आए गए, बैठो बैठो बैठो। प्रणाम पंडित जी। अखंड स्वागति। ये बताओ सब तैयार है ना? हाँ। हटाओ यार ठकुराई, दोनों मनहूस कहीं से। सर्वा सवेरे सवेरे मुंह देख लो तो दिन भर अन्न जल का दर्शन नहीं होगा। ए सकती अब छत पे जा और ऊपर अड़हर मसूर मिर्ची धनिया पापड़ सब सुखवा दिए हैं, जाके उठा के लेके आ जा। अरे अकेले नहीं, ई महारानी विक्टोरिया को भी साथ लेके जा। बांचो। बस पत्रा तैयार है। क्या बात है दीदी, किसी सोच में लग रही है आप? किसी बात से परेशान है क्या? लगता है आप अभी भी उस बात से परेशान हैं। क्या हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब दुर्घटना को हम अपनी किस्मत समझ के मान लिए। अब तो हम वो सब के बारे में सोचना भी छोड़ दिए। दीदी अगर ये बात नहीं है तो फिर क्या आप इन लोगों के बर्ताव से परेशान हैं? हमारे लिए इनका ये बर्ताव कौनो नया तो नहीं है ना प्रतिज्ञा। जब हम माँ बनने के काबिल रहे तो भी तो इन लोग का बर्ताव ऐसा ही था। तो फिर बात क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। परेशानी तो आज तक जितनी भी हुई पर हम इनकी पत्नी तो थे ना। ये आप क्या कह रही है दीदी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या है इन सब बातों का? हमको नहीं पता कि क्या होने वाला है। और तुम सुबह हमसे पूछ रही थी ना हम किसका फोटो देख रहे हैं। हाँ पूछ तो रहे थे, वो किसकी तस्वीर है जिसे देखकर आप इतनी परेशान हो रही थी? हमको नहीं पता, वो हमको इनके तकिए के नीचे से मिला, लड़की का फोटो था। तकिए के नीचे लड़की की तस्वीर? पर आपने शक्ति भैया से पूछा तो होगा ना कि वो किसकी तस्वीर है? पूछे थे पर वो हमें बताना जरूरी नहीं समझे, हमको डांट दिए। अब तुम ही बताओ, एक पत्नी जिसके पति की तकिए के नीचे से लड़की का फोटो निकले का कुछ पूछ भी नहीं सकती है? दीदी आप भी बेकार में ही परेशान हो रही, हो सकता है गलती से आ गई होगी या फिर किसी हीरोइन की फोटो होगी। आजकल तो साड़ी के फॉल के साथ हीरोइंस की कितनी बड़ी बड़ी फोटो आती है ना। नहीं ऐसा नहीं है, हम जानते हैं अपने पति को। अगर उनके पास कौनो फोटो है तो मतलब कौनो कौनो तो बात जरूर है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो
आप हमारे साथ चलिए, हमें वो तस्वीर दिखा दीजिए, आपकी शंका हम अभी दूर कर देते। चलिए। नैना जी, आरुषि की शादी में होने वाले खर्च जैसे गहने, कपड़े और मेहमानों का सेवा सत्कार, इसके अलावा गिफ्ट वगैरह, उनकी तो एक लिस्ट हमने तैयार कर ली है, लेकिन 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 क्या कोई परेशानी है? नैना जी, आरुषि की एंगेजमेंट का बजट जो हमारे पास है उसमें कुछ कमी पड़ रही है। हो सकता है कि उसे लेके हमें शायद थोड़ी सी दिक्कत हो। पर पैसे कम क्यों पड़ रहे? नैना जी, आप तो जानती हैं कि आदर्श के इलाज में जो पैसा खर्च हुआ है वो इन्हीं बचत किए हुए पैसों में से था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि और पैसों का इंतजाम कहां से किया जाए। अरे लेकिन पापा, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? हम हैं ना। देखिए, आरुषि की शादी के लिए हम अपने बैंक से पर्सनल लोन ले लेंगे। अरे का जरूरत है कर्ज सरज लेने के लिए? हाँ, बाहर से पैसा उठाने की ना कोनो जरूरत नहीं है। मेरे बाबूजी के पास ना बहुत है पैसा है, उन्हें से काय नहीं ले लेते? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समस्या के हल के लिए हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वाह जजमान, अति सुंदर, क्या कुंडलियां हैं! वर वधु की इतनी उत्तम सुंदर कुंडली तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। लगता है कुंडली देख के दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और कन्या तो इस घर के लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली है। जैसे ही आपके घर में नए दुल्हन के शुभ कदम पड़ेंगे, आपके घर से काल का साया समाप्त हो जाएगा और फिर आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आपके हवेली में होंगे। ठाकुर साहब, खुशियां ही खुशियां। कुंडली जी, जब पूरा दान दक्षिणा देंगे आपको, देखियो। बाऊजी, किसकी शादी की बात हो रही है? तुमसे मतलब? किसकी शादी की बात चल रही? दाल भात में मूसर चंदा बना करो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा प्रधानी न झाड़ो, समझोगे ना? जाओ यहां से। जाबो कि ना जाबो यार। बाऊजी, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस घर में किसी की भी उम्र शादी लायक है। इसलिए सोचा कि पूछ ले कि किसकी कुंडलियां मिलाई जाए। अमरी, हमरी हमरी कुंडली मिलाई जा रही। हम कर रहे हैं शादी, हम दूल्हा बन रहे, कोनो तकलीफ है का तुमको? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।